उत्तर प्रदेश के औरैया में भीषण ट्रक हादसे में 19 लोग गंभीर रूप से घायल, 7 लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। आपको बता दें, 3 महीने भी नहीं हुए प्रवासी मजदूरों की जो एक ट्रक ट्राली की भीषण भिड़ंत हुई थी, हादसा हुए, उससे किसी भी प्रकार का पुलिस प्रशासन सीख नहीं ले रहा है और आम जनता के साथ के जान के साथ में खिलवाड़ कर रहा है। आइए डालते हैं औरैया की एक सड़क दुर्घटना पर नजर। औरैया प्रवासी मजदूरों के सड़क हादसे के 3 महीने भी नहीं हुए थे कि एक और सड़क हादसे ने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया है। अजीत मल क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर ट्रक हादसे में 19 लोग गंभीर घायल हो गए, जिसमें 7 लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है। सभी घायलों को अजीत मल CHC में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। बता दें, मध्य प्रदेश से हरियाणा जा रहे ट्रक में लोग सवार थे, वहीं सामने की ओर से आ रहे दूसरे ट्रक ने उसमें टक्कर मार दी, जिससे यह घटना हुई। बता दें, जो 3 महीने प्रवासी मजदूर के साथ हादसा हुआ था, उसकी दूरी और इस हादसे की दूरी महज 10 से 12 किलोमीटर होगी। पूर्व हादसे से भी पुलिस प्रशासन और ARTO ने सीख नहीं ली। हंगामा टाइम्स ब्यूरो। आज एक एक्सीडेंट हुआ है, सबका मामला ये लोग मध्य प्रदेश से रीवा से बैठे थे, इनसे पूछने में पता चला है मध्य प्रदेश से रीवा से बैठे थे और हरियाणा जा रहे थे। ये पूछने पर पता चला है कि मैं मुर्गी फार्म में काम करता हूँ, रास्ते में ये जो शारदा गेस्ट हाउस है, इसके पास जो खड़ी ट्रक है, इसे इसकी ट्रक है, इन लोगों वाली ट्रक ने जाके भिला दिया पीछे, और इसमें 19 आदमी घायल हुए हैं, जिसमें आप देख ही रहे हैं। उस पर डॉक्टर महोदय से बात की गई, डॉक्टर महोदय ने बताया कोई ऐसी बात नहीं, ज़्यादा सीरियस हो, और जिनको छोटे मोटे ज़्यादा लगी है उनको रेफर किया जा रहा है, बाकी तो मधुबन ढाबा में चल रहा हूँ, वहाँ बस की व्यवस्था करेंगे और उनको भिजाने की व्यवस्था। 19 लोग रेफर, कितने लोग हुए सर? अभी 8 आदमी कर रहे हैं, जो डॉक्टर बीमा नहीं है उससे वार्ता हो गई है।